नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है अग्नि प्राइम मिसाइल। भारत ने हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जैसे ही इस मिसाइल का परीक्षण किया गया, जितने भी भारत विरोधी राष्ट्र थे वो तुरंत सावधान हो गए। तो आखिर क्या है ये अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो बात करूं मैं कि 18 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने, किसने दोस्तों, डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल, या बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है, अग्नि प्राइम या अग्नि पी, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किसने किया? डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिसाइल का सफलतापूर्वक क्या किया है, परीक्षण। और यह परीक्षण दोस्तों सतह से सतह पर, कहां पर, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है यह वाली मिसाइल। इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता, याद रखने वाली बात है दोस्तों, 1000 से 2000। और ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल है दोस्तों, अग्नि 1 और अग्नि 2 का उन्नत संस्करण है। क्या है? अग्नि 1 और अग्नि 2 का उन्नत संस्करण है। अब बात करूं मैं, जैसे ही मैंने आपको यहां पर कहा कि ये दोस्तों किसने परीक्षण किया, डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म जैसे मैंने अभी कहा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दोस्तों डीआरडीओ है, ये डीआरडीओ कहां पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। कहां पर है डीआरडीओ? नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 को। 1958 को इस डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इस डीआरडीओ, ये जो डीआरडीओ संगठन है, इनके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। इनके चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो ये वाली चीजें भी याद रखना कि डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। तो ये डीआरडीओ है क्या? तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे आप जानते हो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कहां से किया, क्या कार्य करेगी ये मिसाइल, सभी चीजें हम यहां पर देखेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इससे संबंधित और कौन कौन सी मिसाइलें भारत में बनाई गई, ठीक है। मैंने शब्द लिखा है यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, सारी चीजें हम यहां पर चर्चा करेंगे। अब मैं बात करूं अगर यहां पर दोस्तों कि डीआरडीओ के बाद अगर बात करूं मैं यहां पर कि इस मिसाइल को ओडिशा के तट से, कहां से दोस्तों, ओडिशा का तट है। ओडिशा के तट पर एक द्वीप है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कौन सा द्वीप है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। कहां से? एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसकी मारक क्षमता अभी बात करी अपन ने 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत ने अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ठीक है, अग्नि 5 बना ली है। अब इस अग्नि मिसाइल का छठा संस्करण कौन सा है? अग्नि प्राइम, ठीक है। यह जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ना दोस्तों, जो शुरुआत में बनी थी अग्नि 1 और अग्नि 2, तो अग्नि 1 और अग्नि 2 का ये क्या है, उन्नत संस्करण है, ठीक है। अग्नि 1 जो स्टार्टिंग में बनी थी उसका उन्नत संस्करण कौन सा है? अग्नि प्राइम। देखो यहां पे लिखा है अग्नि 1 और अग्नि 2 का उत्तराधिकारी के रूप में इसे विकसित किया गया। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी बैलिस्टिक? क्या होता है बैलिस्टिक, बस आगे बताने में जा रहा हूं यहां पर कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्या होती है। अब यह मिसाइल दोस्तों अग्नि सीरीज की, कौन सी अग्नि सीरीज की, नई जनरेशन वाली एडवांस सीरीज की मिसाइल है। और खासियत यह है इस मिसाइल की कि यह परमाणु हथियारों को, किनको दोस्तों, परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यह सड़क के साथ साथ दोस्तों ट्रेन, ट्रेन और, ठीक है, ट्रेन से भी इसको क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। तो याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल है, यह अग्नि 1 और अग्नि 2 का उन्नत संस्करण है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक। और ये अग्नि संस्करण का छठवां संस्करण है, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं आगे, यहां पर आगे बढ़े अपन, इसके साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिलेगा यहां पर,
जैसे अभी शब्द बार बार आ रहा था कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो दोस्तों यहां पर पथ के आधार पर हम दो मिसाइलें पढ़ेंगे, एक तो क्रूज मिसाइल पढ़ेंगे और एक कौन सी बैलिस्टिक। तो एक एक करके समझते हैं दोस्तों अपन इसको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्रूज मिसाइल, सर आपने अग्नि प्राइम को आपने बैलिस्टिक मिसाइल बोला, तो क्या भारत में क्रूज मिसाइल है या नहीं? जी हां, भारत में क्रूज मिसाइल भी है, ठीक है। ये पथ के आधार पर बात कर रहा हूं, और क्रूज मिसाइल का उदाहरण है ब्रह्मोस। कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। ये जो क्रूज मिसाइल है दोस्त, ठीक है, यह पृथ्वी की सतह के समान चलती है। कैसे चलती है? पृथ्वी की सतह के समान। बात करूं जैसे कि मैं यहां पर, जैसे अपन बात करें, हमने ये क्या छोड़ी दोस्तों यहां पर मिसाइल, और ये रहा हमारा यहां पर अगर बात करें ये क्या है अपना टारगेट, क्या है दोस्तों टारगेट। जैसे ही हमने मिसाइल को लॉन्च किया तो यह सतह के समांतर जाएगी, और सतह के समांतर जाकर इस टारगेट को क्या करेगी? हिट कर देगी, ठीक है। ये किसकी खासियत है दोस्तों? क्रूज मिसाइल की। ये कैसे चलेगी? पृथ्वी की सतह के समान चलेगी, ठीक है, और ये अपने लक्ष्य को खोजकर क्या करती है? प्रहार। इस मिसाइल का आकार कैसा होता है? छोटा, और क्षमता कैसी होती है? कम होती है। कौन सी मिसाइल की बात कर रहे हैं हम? क्रूज। और इस मिसाइल में कम मात्रा में क्या ले जा सकते हैं हम? विस्फोटक, ठीक है। इसमें जो पेलोड होता है, ठीक है, वो कम मात्रा में हम इसमें क्या ले जा सकते हैं? विस्फोटक। साथ ही साथ इसमें जेट इंजन का क्या किया जाता है? प्रयोग। और जैसे कि मैंने कहा कि क्रूज मिसाइल का उदाहरण कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। तो अग्नि प्राइम मिसाइल के क्रूज मिसाइल नहीं, ये तो कैसी है? बैलिस्टिक। सर हमको बताओ बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? आपको ये क्रूज मिसाइल समझ में आई? जो क्रूज मिसाइल है वो किसके समांतर चलती है? पृथ्वी की सतह के समांतर चलेगी, ठीक है। किसके समांतर? सतह के समांतर। अब समझो कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन सी मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? तो बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों ये चलेगी परवलयाकार पथ पर। कैसे समझते हैं हम यहां पर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं ये किस आधार पर पढ़ रहे हैं? पथ के आधार पर। अब बात करूं मैं कि बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में? अग्नि प्राइम के बारे में। तो अग्नि प्राइम दोस्तों कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। समझना, अभी मैंने आप लोगों के सामने कहा था कि जो क्रूज मिसाइल है वो किसी चल रही पृथ्वी की सतह के समांतर, ठीक है, और वो अपने लक्ष्य को क्या ढूंढ के दागती है, ठीक है। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, इसका उपयोग पूर्व निर्धारित लक्ष्य को दागने के लिए, और इस मिसाइल को छोड़े जाने के बाद एक अर्धचंद्राकार पथ, ठीक है, अर्धचंद्राकार पथ का क्या करती है? अनुसरण। कैसे? समझना, देखो भाई अपन ने यहां से भाई एक मिसाइल दागी, ठीक है, ये रहा हमारा टारगेट, ये रहा हमारा क्या दोस्तों? टारगेट, ठीक है। मिसाइल दागी, अब ये पृथ्वी की सतह के समांतर न जाते हुए ये मिसाइल जाएगी दोस्तों ऐसे परवलयाकार पथ, ठीक है, परवलयाकार पथ करते हुए वापस दोस्तों कहां पर आएगी? टारगेट के पास। तो देखो जैसे हमने इस मिसाइल को छोड़ा तो इसने पथ कैसा लिया दोस्तों? परवलयाकार। कैसा पथ लिया? परवलयाकार। तो समझ में आया आपको कि ये जो मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, इसका पथ कैसा होता है? अर्धचंद्राकार या कैसा होता है? परवलयाकार पथ। समझ में आई बात, ठीक है। और ये अग्नि प्राइम मिसाइल है ना दोस्तों, ये अग्नि प्राइम मिसाइल कैसी है? ये कैसे पथ का अनुसरण कर रही है? परवलयाकार पथ का अनुसरण कर रही है। और यही दोस्तों आपकी कौन सी? अग्नि सीरीज की अग्नि प्राइम मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइलों का आकार बड़ा होता है, क्षमता भी क्या होती है इनकी? अधिक होती है। ये ज्यादा मात्रा में विस्फोटक ले जाती है, जबकि जो क्रूज मिसाइल थी अभी देखी, ये कैसे ले जाती है? कम मात्रा में विस्फोटकों को लेकर जाती है, ठीक है। और इसमें दोस्तों रॉकेट इंजन का प्रयोग करते हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण कौन सी है? अग्नि मिसाइल। और अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक बन चुकी है, और यह अग्नि प्राइम मिसाइल इसका 6ठा संस्करण है। और क्या है भैया मिसाइलों से संबंधित बात करें हम? और दोस्तों ये तो अपन ने पथ के आधार पर देखा, अब स्थान के आधार पर भी मिसाइलों का वर्गीकरण होता है। कैसे? समझना, एक तो होता है दोस्तों स्थान के आधार पर अगर बात करें तो एक तो होगी दोस्तों जमीन से जमीन पर वार करने वाली। उदाहरण देखें, कैसी बात कर रहा हूं मैं? जमीन से जमीन पर वार करने वाली पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, ब्रह्मोस हो गई, धनुष और प्रहार। एक मिलेगी दोस्तों अपने को जमीन से हवा पे, ठीक है, जमीन से हवा पर वार करने वाली कौन सी है? त्रिशूल और आकाश। याद रखना इसको, महत्वपूर्ण है कि त्रिशूल और आकाश कैसी? जमीन से हवा, और हवा से हवा में वार करने वाली कौन सी है? अस्त्र।
तो ये स्थान के आधार पर है और हमने पथ के आधार पर देख ली है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखते हैं हम आगे। इसके बाद अगर अपन बात करें कि एक कार्यक्रम की बात कर रहा हूं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा चलाया गया था 1983 में, जिसका नाम है IGMDP कार्यक्रम, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलो समझना इसके बारे में। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट, ये लिखा है फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हां, ठीक है, IGMDP प्रोग्राम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था दोस्तों, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिन्हें आप जानते हो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि मिसाइल प्रौद्योगिकी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना या आत्मनिर्भरता हासिल करना, और इसे चलाया गया था कब, 1983 में, और 2012 में इसको क्या किया गया, पूरा किया गया, याद रखना। और इसी के तहत 5 मिसाइल विकसित की गई थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, कितनी मिसाइलें, 5 मिसाइलें, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल को इसी कार्यक्रम के तहत क्या किया गया था, पूरा किया गया था। अब देखना इसके बारे में, पूरा मैं आपको यहां पर बताता हूं कि IGMDP के तहत कौन कौन सी मिसाइल विकसित की गई। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा कि इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल है। कितनी, 5 मिसाइल। देखो यहां पर देखते हैं अपन कि IGMT इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलें विकसित की गई। कितनी मिसाइल, 5। पहली बात करें अपन यहां पर कौन सी मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल। कौन सी, पृथ्वी। पृथ्वी जो मिसाइल है दोस्तों, पृथ्वी जो मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, और कम दूरी की कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक। अभी मैंने बताया था बैलिस्टिक यानी दोस्तों जिसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार। कैसा होगा, परवलयाकार। अग्नि भी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की कैसी है, बैलिस्टिक मिसाइल। त्रिशूल सतह से कहां पर, आकाश में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। और जो नाग मिसाइल है, नाग यह टैंक रोधी, कौन सी, टैंक रोधी, टैंक भेदी मिसाइल है। और आकाश मिसाइल है सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल। तो इसके तहत दोस्तों पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, 5 मिसाइलों को विकसित किया गया, ऐसे हम इसको शॉर्ट में याद रखते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये जो हमारा मिसाइल कार्यक्रम है भारत का, मैंने आपको यहां पर हर एक चीज बता दी। ठीक है, अब इस मिसाइल के विकसित होने से भारत दोस्तों क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है अब और सक्षम होगी। जो भी भारत विरोधी राष्ट्र है, ठीक है, वो दोस्तों भारत से, ठीक है, थोड़ा सा क्या करेंगे, सोचेंगे कि भाई भारत से हमको ज्यादा दुश्मनी मोल नहीं लेना है। और दोस्तों इसी बात पर हमारे भारत ने जो मिसाइल बनाई है, इसी बात पर दोस्तों जय हिंद तो बनता ही है। ठीक है, तो दोस्तों सभी को कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना है। साथ ही साथ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है यहां पर। कितने प्रश्नों के, 2। पहला प्रश्न है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो 2 प्रश्नों के उत्तर मैं आपके कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।